हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक को लेकर बात करेंगे। मेरे चैनल पे मैं काफी ज्यादा स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक को लेकर बात करता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आपको मार्केट में वेल्थ क्रिएट करना है, मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न बनाना है, तो आपको पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक रखना ही होगा। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक में सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। इसीलिए मैं मैक्सिमम टाइम मेरे चैनल पे मैं स्मॉल कैप कंपनी को लेकर ही बात करता रहता हूँ। बढ़िया स्मॉल कैप कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, बट ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ एडुकेशन पर्पज के लिए। किसी भी स्टॉक में पोजिशन बनाने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट एक बार जरूर कर ले, जो सेबी रजिस्टर्ड है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी स्टॉक के ऊपर बाय सेल कॉल रिकमेंड नहीं कर सकता। आप कंपनी का नाम जान सकते हैं, नाम जानने के बाद आप अपने हिसाब से रिसर्च करने के बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। तो आज मैं जिस स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सारे स्मॉल कैप कंपनी जिस जिस सेक्टर से आता है, सेक्टर में चल रहा है टेलविंड, और ऊपर से 52 की हाई से ये सारा स्टॉक ऑलमोस्ट 10-12% डिस्काउंट पे भी अभी मार्केट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये सारा स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक से बहुत अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो जल्दी जल्दी सारे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे एंड टेक्निकल के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो विदाउट स्किप वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है एसजे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड। एक्सीलेंट प्लेयर है अपनी इंडस्ट्री का एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड, एंड एक एसएमई कंपनी है। 579 रुपीज पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। एक्चुअली एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड अपने सेक्टर में लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नाम से ही पता चल जाता है एक्चुअली कंपनी काम क्या करता है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। द कंपनी प्रोवाइड्स फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग सर्विस एंड रजिस्टर्ड, ये सभी तरह का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड। दोस्तों, गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर है। एक्सपोर्ट सेक्टर इंडिया में ग्रो कर रहा है और ये तेजी हम लोगों को नेक्स्ट 15-20 ईयर्स तक देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक हाई इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, अगर एक्सपोर्ट के बिना कभी भी इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा। और पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर अगर ग्रो करेगा, एसजे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड का भी कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो करता ही जाएगा। पूरी तरह से एक्सपोर्ट का प्रॉक्सी प्लेयर बन सकते हैं एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड। ये जो फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग, ये सब एक्सपोर्ट के अंदर काम आता है। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है एसजे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड का, जो आगे ग्रो करता ही जाएगा। चलिए एक बार फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। जस्ट देखिए, 838 करोड़ का कंपनी है। एक माइक्रो कैप लेवल का कंपनी आप कह सकते हैं 838 करोड़ का कंपनी। इधर से मार्केट साइज मुझे लगता है 2000-3000 करोड़ आराम से पहुंच सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। 37 के मल्टीप्लाई पी पे अभी कंपनी कामकाज कर रही है। देखिए, 52 की हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7.42% के डिस्काउंट पे मार्केट में मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत बढ़िया रेशियो होता है। इस साल कंपनी ने 22 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। EPS देखिए 15.6 चल रहा है। ये डेट कुछ है नहीं, 13 करोड़ का डेट दिखा रहा है सिर्फ बैलेंस शीट में। बहुत ही लो डेट कंपनी है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.12, एकदम लो डेट कंपनी आप कह सकते हैं एसजे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड को। प्रोमोटर के पास 49% से ज्यादा का शेयर है, मतलब मैक्सिमम शेयर प्रोमोटर के हाथ में है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है, और बाकी शेयर DII और पब्लिक होल्ड कर रहे हैं। DII के पास देखिए 1.36% स्टेक एंड पब्लिक के पास 48.97% का स्टेक है, मतलब मैक्सिमम शेयर प्रोमोटर एंड DII ये दोनों को मिला के देखा जाए बड़े हैंड्स में है। तो इन्वेस्टर सेक्शन मुझे बहुत बढ़िया लगा, एक भी शेयर किसी के पास प्लेज्ड भी करके नहीं रखा है मैनेजमेंट ने। तो ओवरऑल एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बहुत हाई CAGR से कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड का, जो आगे बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगा। समय देना चाहिए, मल्टीबैगर रिटर्न एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड से बन सकता है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट देखिए, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे, स्टॉक नीचे से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है।
लेकिन स्टॉक नीचे से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। स्टॉक देखिए 5-6 हफ्ते से एक ही जगह पर ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक इधर से नीचे आएगा तो अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिल सकता है। ठीक है, अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो स्टॉक अगर इस प्राइस पे मिल जाता है मतलब 485 मौजूदा सिचुएशन से ऑलमोस्ट स्टॉक अगर 15-20% और भी नीचे आता है तो फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। बट अगर स्टॉक नीचे नहीं आता है, केएसजी लॉजिस्टिक लिमिटेड में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, स्टॉक तो अभी इस प्राइस पे चल रहा है। क्योंकि स्टॉक अगर फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है मतलब 622 या 23 के ऊपर चला जाता है, फिर से एक फ्रेश बाइंग हो सकता है, या जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो एवरेज भी करके चल सकता है, टॉप अप भी करके चल सकता है। नेक्स्ट कंपनी किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड, एक्सेलेंट प्लेयर है, किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड लीडिंग प्लेयर है। 443 रुपीज पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। एक्चुअली कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग कस्टमाइज इक्विपमेंट सिस्टम फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन इन सेवरल इंडस्ट्रीज। सेक्टर कौन कौन सा है, लाइक केमिकल, स्टील, न्यूक्लियर पावर, पेट्रोकेमिकल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग, ये सारे इंडस्ट्री में जो कि इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। पेट्रोकेमिकल, फ्रूट प्रोसेसिंग, न्यूक्लियर पावर, केमिकल, ये सब बिजनेस को चलाने के लिए फैक्ट्री सेटअप करना पड़ता है, और उस फैक्ट्री में जो जो कुछ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट लगता है एज ए कस्टमाइज इक्विपमेंट वो मैन्युफैक्चरिंग करता है किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है कंपनी का। मुझे लगता है ये कंपनी आगे बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है, बहुत एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये स्टॉक अपने 52.5 से अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी मार्केट में मिल रहा है। एंड फंडामेंटल की बात करूं, जस्ट 1800 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट साइज इधर से डबल ट्रिपल हो सकता है। 42 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, पूरा इंडस्ट्री देखिए 46 पे है और स्टॉक का पी कितना 42, इसीलिए कंपनी का पी अगर इन फ्यूचर 50-55 पे भी चला जाता है तब भी मुझे लगता है किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा। और देखिए 52.5 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 11.4% के डिस्काउंट पे चल रहा है, 12% का डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% क्रॉस कर गया है। एंड इस साल कंपनी ने 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है कंसिस्टेंटली किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ईपीएस की बात करूं 10 से ऊपर चल रहा है, डेट की बात करूं 72 करोड़ का है, बहुत ही लोडेड कंपनी, एक्सट्रीम लोडेड कंपनी, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 1 से काफी नीचे है। प्रोमोटर के पास 50% से ऊपर का शेयर है, ठीक है, बट किसी के पास 19% शेयर प्रोमोटर ने प्लेज्ड करके रखा है, बट ये मुझे लगता है छोटा सा परसेंटेज है। जिस तरह से कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, इस तरह से रेवेन्यू के अंदर इंक्रीजनेस देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट के अंदर जिस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है ये जो प्लेज हिस्ट्री आप देख रहे हैं प्लेज्ड परसेंटेज, ये फ्यूचर में कम हो सकता है, इवेंट जीरो भी हो सकता है। और बड़े इन्वेस्टर भी स्टॉक को लेकर बहुत पॉजिटिव है। देखिए FII भी स्टॉक में 0.35% स्टेक होल्ड करके रखा है। FII पहले तो कुछ भी शेयर होल्ड नहीं करता था, अभी 3.5, माने धीरे धीरे FII का इंटरेस्ट बढ़ रहा है किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर, और DII भी मुझे लगता है फ्यूचर में स्टेक बाई करते हुए देखने को मिलेगा। रिटर्न देख सकते हैं पिछले 3 साल में 143% रिटर्न, क्या रिटर्न चल रहा है, एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ 3 साल में 143%, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल का एवरेज रिटर्न एवरी ईयर 3 सालों से 143% रिटर्न मिल रहा है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 83% एवरी ईयर, इन्वेस्टर का फंड डबल हो रहा है, 100% CAGR से इन्वेस्टर रिटर्न बना रहा है किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। यही होता है एक स्मॉल कैप कंपनी का पावर, ठीक है। एंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ऑलमोस्ट ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंट देखने को मिलेगा, डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बट सेल्स ग्रोथ के अंदर 49% का ग्रोथ पिछले 3 सालों से, इसीलिए तो डिस्काउंट मिल रहा है। ये स्टॉक 11% डिस्काउंट पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, बट ये सस्टेन नहीं करेगा, फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगा हम लोगों को। बट अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके चलेगी। फंडामेंटल नो डाउट मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, बहुत हाई फाई तो नहीं कहूंगा, क्योंकि प्लेज्ड करके रखा है और प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर सिंगल डिजिट चल रहा है, इसीलिए बहुत हाई फाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन डिसेंट मेंटेन हो रही है किलब्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड का बिजनेस ग्रोथ फंडामेंटल। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए कितना फैंटास्टिक है, स्टॉक के अंदर बोले तो आग लगी हुई है, स्टॉक काफी दिनों से ऊपर ही जा रहा है, एकदम तेजी बना हुआ है, टेक्निकल चार्ट ये बोल रहा है।
लेकिन स्टॉक का निचली लेवल से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है। अगर स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेना है तो इस प्राइस पे नहीं, स्टॉक को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, ठीक है। स्टॉक अगर बाय चांस 375 पे मिल जाता है, मतलब मौजूदा सिचुएशन से अगर स्टॉक ऑलमोस्ट और भी 14-15% डिस्काउंट पे मिल जाता है तो इस स्टॉक में एक इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। बट अगर स्टॉक बाय चांस नीचे नहीं आता तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे। स्टॉक अगर फिर से इस लेवल को क्रॉस कर लेते, 470 या 480 इस लेवल पे पार चला जाता है तो डेफिनेटली और एक फेज बाइंग हो सकता है, या जो किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और वो टॉप अप भी करके चल सकते हैं। और इधर में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये सब कुछ फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिल जाएगा, तो जल्दी चाहिए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट कंपनी का नाम है कोरे डिजिटल लिमिटेड। बहुत बेहतरीन कंपनी है कोरे डिजिटल लिमिटेड। अपने लाइफ टाइम हाई से अच्छा खासा डिस्काउंट पे भी ये स्टॉक अभी मार्केट में मिल रहा है। फंडामेंटली साउंड कंपनी है। 2207 रुपीज पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है कोरे डिजिटल लिमिटेड का। 2009 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। इस फील्ड में बहुत पुराना कंपनी तो नहीं है लेकिन इतना भी नया कंपनी नहीं है, 2009 का कंपनी है। कोरे डिजिटल लिमिटेड ऑपरेटेड एज टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग, मतलब एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर के लिए, मतलब जो जियो टेलीकॉम ऑपरेटर है, आइडिया वोडाफोन टेलीकॉम ऑपरेटर है, एयरटेल टेलीकॉम ऑपरेटर है, ये सभी के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है कोरे डिजिटल लिमिटेड। एक्चुअली काम क्या करता है कोरे डिजिटल लिमिटेड वो भी तो जानना पड़ेगा। टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए कोरे डिजिटल लिमिटेड जो है टावर इंस्टॉलेशन की कामकाज करता है, कमीशनिंग पोल इंस्टॉलेशन की कामकाज करता है, देख भी सकते हैं कमीशनिंग पोल इंस्टॉलेशन, टावर इंस्टॉलेशन एंड ऑप्टिकल फाइबर्स केबल सिस्टम के ऊपर भी कामकाज कर रहे कोरे डिजिटल लिमिटेड। और 5G ये बहुत अच्छा तेजी से ग्रो कर रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा कोरे डिजिटल लिमिटेड को मिल रहा है, मतलब 100% फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आप कह सकते हैं जिसका डिमांड फ्यूचर में कम होने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है उल्टा, ठीक है। तो कोरे डिजिटल लिमिटेड का बिजनेस मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा फंडामेंटल है कंपनी का। देखिए 900 करोड़ का कंपनी है अभी, जस्ट 1000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है, इन फ्यूचर 2-3000 करोड़ आराम से चला जाएगा। 55 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और देखिए ये कंपनी अपने 52 हाई से ऑलमोस्ट 10.4% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 11% आप मान के लीजिए डिस्काउंट पे चल रहा है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% क्रॉस कर गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय तो 40% पहुंचने ही वाला है जो कि बहुत अच्छा रेशियो माना जाएगा। इस साल कंपनी ने 16 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 43 चल रहा है, ईपीएस कितना बढ़िया मिल रहा है देखिए, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है इसीलिए। डेट जीरो डेट कंपनी, देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01, 100% जीरो डेट कंपनी कोरे डिजिटल लिमिटेड, एकदम टेंशन फ्री बिजनेस कर रहा है प्रोमोटर। प्रोमोटर के पास 62% से ज्यादा का शेयर है, कितना बढ़िया परसेंटेज होल्ड कर रहा है देखिए प्रोमोटर। एंड पब्लिक के पास जस्ट 37% स्टेक है। इन्वेस्टर सेक्शन बहुत बढ़िया है, एक भी शेयर किसी के पास प्लेज्ड भी करके नहीं रखा है। एंड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ट्रिपल डिजिट पे चल रहा है, सेल्स ग्रोथ 196% एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले तीन साल का 254%। हाई सीजीआर से कोरे डिजिटल लिमिटेड का बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है। नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल एक्सट्रीम लेवल पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और इस तरह की कंपनी इन्वेस्टर को बड़ा रिटर्न बनाकर देता है। देखिए किसी भी कंपनी का बिजनेस ही मेन होता है, अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है मतलब रिटर्न बढ़िया मिलेगा, अगर बिजनेस ही खराब हो गया मतलब रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा एक अच्छी तरह से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी स्मॉल कैप कंपनी में, ठीक है। तो चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल देखिए स्ट्रॉन्ग, एकदम स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, हायर हाई करके ऊपर जा रहा है, लेकिन स्टॉक के अंदर अभी एक बड़ा सा रेड कैंडल स्टिक बना है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक और भी गिर सकता है। बाय चांस स्टॉक अगर इस प्राइस पे मिल जाता है 1433, मतलब मौजूदा सिचुएशन से स्टॉक अगर आपको ऑलमोस्ट 30-36% डिस्काउंट पे मिलता है, मुझे नहीं मालूम आएगा कि नहीं, अगर मिलता है
तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कोरे डिजिटल लिमिटेड का टेक्निकल मुझे लग रहा है। अदरवाइज स्टॉक अगर बाय चांस एक बार 2430 पे भी पार चला जाता है, फिर से पार चला जाता है, तब भी फ्रेश एंट्री लिया जा सकती है, टॉप अप किया जा सकता है। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। टेक्निकल का ट्रेंड देखिए ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन नीचे से काफी ज्यादा ऊपर चला गया, इसीलिए थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड आ सकता है स्टॉक के अंदर, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका लक बहुत। दोस्तों ये था तीनों स्टॉक्स, तीनों स्मॉल कैप स्टॉक जो आपने अपने सेक्टर में बहुत बढ़िया कामकाज करा है, एंड सारे कंपनी का बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक है। इन्वेस्टमेंट करके पैसा नहीं बनेगा, आपको ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो कंपनी का बिजनेस आगे ग्रो करेगा ही करेगा, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होना चाहिए। तो इस तीनों कंपनी के स्टॉक में से आपको कौन सा कंपनी का स्टॉक सबसे बेस्ट लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया, इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये सब कुछ फ्री हो जाएगा, सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी चाहिए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।